दिया है सारा कुछ। मुझे क्या पता किसका मैसेज है, मैं भी पता है, मीटिंग में था। छोड़ दो, मैं अब्बू के पास जा रहा हूँ। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जल्दी से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फिर हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे खानदान में ना बर्थडे खत्म ही नहीं हो रही है, एक के बाद एक बर्थडे। मुझे लगता है ये दिसंबर और जनवरी हमारे लिए बर्थडे मंथ है। खानदान में आधे से ज्यादा लोगों की बर्थडे ना जनवरी और दिसंबर और जनवरी में ही आती है। फिर रात में पता चला है कि भाई कल जमल की बर्थडे होगी, तो हम लोगों ने जाना है, फिर गिफ्ट लेने आए हैं, गिफ्ट अली लेने गए हैं, क्योंकि हम लोग तैयार होकर बैठ गए थे। हमने कहा हम क्या ख्वार होंगे निकल के बाहर, तुम खुद ही गिफ्ट लेके आ जाओ। उसकी जगह ना वो एक शाइनी एक ही गिफ्ट पेपर ले आया, अब कह रहा है वापसी कराने जा रहा हूँ, देर हो जाएगी भाई एक ही में। कितने टाइम बाद आए हो? थोड़ा तकरीबन आप एक घंटे बाद आए हो, और वहाँ पर जाओगे और एक घंटा बैठोगे सिर्फ। एक घंटा कहाँ, 15 मिनट लगे। काम से भी तो जाना है आपने। अरे बैग देख के लूंगा ना। और अली मैंने कहा था अली देखते हैं कैस किस तरह का बैग लाता है, और अली पता नहीं पैक करा के आया, थोड़ा पैक करा है अली। दो आते ना फिर लेने जा रहा था, मैंने कहा बस सही है एक ऊपर से लगा दिया। नहीं तुमने पैकिंग का सुना करवाई है, मैंने ऊपर के ढक दिया ना बस। फायदा दिख तो रहा है, जा रहे हैं ऑन द वे। क्या है ये? क्या है? फूल। हाँ तो फूल तो मैं देता हूँ। ये कहाँ पड़ा हुआ था? इसके अंदर। तो मैं देता नहीं हूँ फूल, गजरे पहनाता हूँ, उसका कोई गिर गया होगा क्या मतलब? देखो सब जल्दी से पहुंचे, रास्ते में बहुत हल्की मजाक हो रही है। पीछे तो हमारा ही है, पीछे तो मेरा वाला ही है, बर्थडे वाला नहीं कर रखा है। हेलो गाइस आ गए हैं, जल्दी जल्दी निकलो यार, लेट हो गया ऑलरेडी। हम गाइस हम लोग बर्थडे में हम शॉपिंग पे नहीं आए, आप लोग लग रहा होगा हम लोग शॉपिंग पे आएंगे, ओशन मॉल में बर्थडे है। आपको पता है कौन से फ्लोर पे? लोअर ग्राउंड। देखिए अली देखो कितनी आगे आगे बढ़ गई है, कहाँ जाने चले। बच्चों बच्चों का सीन चल रहा है। देखो कैसे मस्त होकर घूम रही है, भूल गई है जंपिंग वंपिंग में। चलो चलो ना इसको लेके आते ना, तो सीख के चलिए। हम क्या करेंगे बच्चों की बर्थडे, तो हम जंपिंग में चलते ना, अगर बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी जंपिंग है तो। भाभी खोल के देंगी। अच्छा ठीक है, क्या बोलते तुम सेल कर रहे हो यहाँ पर? दे दे अंदर चले, देखो कैसे चिपट गई है भैया से। बच्चे बच्चे दिख रहे हैं यार, चाची चाची कहाँ हैं? स्पाइडरमैन की तरह डांस करके दिखाओ, करो ढूंढे से। और ये देखो कहाँ गुस्सा पड़ा है, ये क्या है? ये नहा रहा है वो उस पानी से, नहा रहा है जो कोई। इधर आओ अली अकबर, क्या कर रहे हैं? मैं लेके जा रही थी लाइट, उधर कुछ भी नहीं है, मिरर मुझे प्यारा लग रहा है। बच्चों में कि अब पॉपकॉर्न खाने ना, इधर ही बैठे हैं, मुझे भी खिलाओ। बबल बबल टाइप का है ये, मुझे लग रहा है टैंड है का कुछ मटेरियल है। पहले मैं बताती हूँ तो वीडियो बना। थोड़े पॉपकॉर्न शॉपिंग खा ले। हाँ गिरा दो सारे, यही गिरा दो। चलो पर बैठूंगी ठीक है, यहाँ पर अपनी बिजनेस स्टॉक कर रही है, तुमने न्यूज में लेना है मुझे। चल रहा है मेरी स्नो, मेरी में स्नो, मेरी में फेक स्नो। मिल गया से निकले हम, अभी कहाँ जाना है? गिफ्ट रख पा के हम ऊपर आ गए हैं, बस यहाँ पर सीट अरेंजमेंट हो जाए फिर हम बैठे। बच्चे 1 2 3 4 5। अब आप देखो क्या बिल्ली शिल्ली बनी हुई है, बिल्ली आ गई है। अरे बच्चे हैं भाई, जगह ही नहीं मिल रही है, तो गिर गई है मैं चढ़ूं। अभी बहाने से ना वॉशरूम आ रहा था, तो मैं अभी चेक करने आई हूं, मेंस है ठीक है, ये वुमेन्स वुमेन्स होके चले गई है, अली नजर नहीं आया। अब देखे है कहाँ, यहाँ पर है, और मैं कब से ढूंढ रही थी, वॉशरूम में चले गए तुम्हारी वजह से। मैं फिर उसके बाद आके यहाँ बैठ गया था, आवाज नहीं आ रही होगी। तो सुकून मिला है ना मेरे कानों को,
बच्चों की आवाज़ से जा रहे हैं। करके फौरन निकल गया क्योंकि अली को काम था। मैं तो आ गई थी घर पे लेकिन अली काम से चले गए, तो बस फिर मैंने कहा व्लॉग भी एंड नहीं किया तो सोचा प्रैंक कर लिया जाए अली के साथ। गाइस बेसिकली प्रैंक ये होगा कि मैंने अपने भाई का नंबर है वो अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, वो नंबर अली के पास नहीं है तो नंबर से मैं मैसेज करूंगी अली को एज अ स्ट्रेंजर बनकर, और वो मैसेज मैं देखूंगी कि ये कौन लड़की है और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या प्रैंक होने लगा दिया है सारा कुछ। सो गाइस अभी अली आ चुके हैं और अभी वो रूम से बाहर गए किसी काम से, तो मैं सोची मैं यहाँ पर फ़ोन लगा दूँ छुपा के तो अभी उन्हें पता ना चले, और सारा हमने जो प्रैंक करना है वो अभी यहीं पर ही करना है। तो यार मैंने देखी ग्रुप पे, हाँ नहीं ग्रुप पे देखी थी ये ना जो भेजी है सबने। हाँ दिखाओ। चाची को किसका मैसेज है? क्या पागल तो नहीं हो? किसका मैसेज है? क्या अरे पागल वो पिक्चर आएंगे, मुझे नंबर सेव है मेरे पास। नहीं फिर मुझे क्या पता किसका मैसेज है, दिखाओ तो सही मैसेज क्या है मुझे तो दिखाओ। मैं पढ़ किसी डीलर का होगा तो मैं पढ़ क्या बताती हूं, किसी डीलर का होगा या किसी चाइनीज डीलर का होगा। तो सुनो तो क्या कह रही है डीलर, कह रही है मतलब दिखाओ। अरे क्या मैसेज है? अरे तो दिखाओ तो सही पागल, तो मैं पढ़ के बताती हूं। डरना नहीं अभी मुझे दिखाओ तो। अरे मैं पढ़ के बताती हूं, क्यों डर क्यों रहे हो? दिखाओ, आज आप बहुत अच्छे लग रहे थे, आज का दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, फिर कब मिलेंगे? तो मैं किससे मिलूंगा, पागल तो नहीं हो गई तुम? वो तुमने ही नंबर व्लॉग में शो कराया था तो किसी ने ओशन मॉल में देख लिया होगा। तो आज ही तो ओशन मॉल गए थे हम, तो तुम बहाने बहाने से जा रहे थे तो पागल तो नहीं हो? इसी वजह से नहीं जा रहे थे तो पागल तो नहीं हो? तुम्हें पता है मैं डीलर्स के साथ मीटिंग में था, चाइना से डीलर आए हुए थे। पागल तो नहीं हो? सच बता दो। तो मैं झूठ बोलता हूँ? तो अभी क्या मैसेज था? देखो फोन बंद है। हाँ तो पासवर्ड तो मैं नहीं पता। क्या पासवर्ड है? तो फेस अनलॉक है तू। पासवर्ड तो बताओ मुझे। दो ना मैं खोल के दे रहा हूँ। अरे तुमने पासवर्ड भी चेंज कर दिया? अरे ये तो तुम्हें पता है ना, देखो फेस अनलॉक तो नाम तो देख ले तो मुझे क्या है, नंबर तो सेव ही नहीं है, डिलीट कर दिया होगा तुमने, सेव क्यों करोगे? तो मैं क्यों डिलीट करूंगा, मेरे पास इतना फारिक टाइम, सच बताओ मैं। अरे कसम से मेरे पास इतना फारिक टाइम है क्या यार, मुझे तुम्हें पता है मैं कामों से होता हूँ क्या, मेरे पास इतना फारिक टाइम, पागल तो नहीं हो गई तुम? सच ही बताओ, तुम मारे मारे से इसलिए जा रहे थे तो मैं पीछे पीछे आ रही यार, तुम पागल तो नहीं हो गई? तो अली क्या है फिर, मेरे पास इतना फारिक टाइम है और अभी मतलब घर पे आते ही तुम्हारे पास मैसेज है? अबे तो मुझे क्या पता भाई, तुमने बोला होगा ना मैं फ्री हो गया, मैसेज करना मैं लेट। हाँ तो घर पे आ रहा हूँ, उसको अगर मेरे साथ होती कोई ऐसा रात मैं बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ बीवी के पास मेरे मैसेज कर देना। हाँ तो बज रहा आज की क्या बज रहा है अभी इस टाइम? तो तुम पागल हो गई, तो मैं कहाँ था? तुम बोल रहे होंगे मीटिंग में बैठा हुआ हूँ अभी नहीं करना। तो कौन सी मीटिंग थी मेरी आज, तुम्हें पता है? तो भाई तो ये अभी क्या है मैसेज, क्या है मैं क्या लिखा हुआ है ये क्या है, ये आज आप बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू तुम पागल हो? आज का दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। अरे तुम ऐसा क्या था, तुमने क्या आज क्या बातें हो गई है तुम्हारी जो मेमोरेबल हो गया उसके लिए, क्या बातें करती है तुमने, फिर कब मिलेंगे हम बताओ कब मिलेंगे? अरे तो तुम पागल हो गई हो यार, तुम्हें मेरे पास इतना फारिक टाइम तुम्हें लगता है मेरे पास है, इतना टाइम है मेरे पास, पे स्ट्रीक भेजी तुम्हें मैंने फिर भी शक कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? तो आज मेमोरेबल, मैं अब्बू को भी बुला लूंगा। तो मेमोरेबल कैसे हुआ मुझे भी तो बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं करूँ, मुझे मीटिंग में था तुम्हें भी पता है मीटिंग में था, सही है अब तुम छोड़ दो, फिर अब्बू के पास जा रहा हूँ और मैं यहाँ नहीं सोऊंगा अब्बू के पास ही सोऊंगा, और दूसरे फ्लैट पे जा रहा हूँ। अच्छा रुको, अली
गाइस ये तो सच में चला गया, क्या करूं। मैं 8 घंटे से मीटिंग में सर खपा रहा हूं ना, उसके बाद आके तुम बोल रहे हो इतना फारिक टाइम। अरे व्लॉग नहीं करना, पता है मैं थका हुआ आया हूँ। मैं तो मेरे पास इतना फारिक टाइम थोड़ी है कि मैं किसी के साथ बात करूँ या कोई चीज। तो मैं एक चीज नहीं देख रही, मैं व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो तुम्हारा यही तो तुम ड्रामेबाजी प्रैंक वैंक के चक्कर में अगले का दिमाग खराब हो जाए। मैं अभी थक कितनी देर क्या हो गया यार, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है यार। प्रैंक हो गया गाइस, प्रैंक क्या करो, प्रैंक जिस दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दे गाइस। अली को बिल्कुल प्रैंक अच्छा नहीं लगा। अबू को फोन कर दिया, मैंने गेट खोले, मैं आ रहा हूं आपके पास सोने। हां तो मैं वहां सो रहा था, मैंने यार थका हुआ हूं, मुझे अच्छा बैठो तो तुम्हें जाना है गाइस। इसलिए मैं अली के साथ प्रैंक नहीं करती, अली बहुत सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होना मुझे महंगा पड़ जाता है। अब तो एंड करो गाइस, आप के चक्कर में मेरी बैंड बज गई। मुझे पता है कि तुम किसी लड़की के पीछे नहीं जा सकते, ना किसी लड़की से बात करते हो, तो मैं मुझे पता है तुम कैसे कैसे बोल सकते हो। इसमें तुम अच्छा मैंने फोन कैसे नंबर पे कैसे मैसेज किया, कौन से वाले फोन से? फिर शुरू हो गई यार। तुम्हारे पास वो मतलब दूसरे फोन से मैंने तुम्हें मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तुम्हारा नंबर है तो ये दूसरा नंबर वहाँ पे सेव नहीं था। बहुत महंगा प्रैंक हो गया है। आई होप यू लाइक एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और व्लॉग को दोबारा दोबारा देख लेना बस। गुस्सा आ गया गाइस, बाय बाय बाय।